अस्सलाम वालेकुम। खुशी मकबूल आज आपके लिए लाई है ग्लास, क्रिस्टल, प्लास्टिक, मुख्तलिफ मेटल्स और गोल्ड और सिल्वर की बैंगल्स डिज़ाइन आइडियाज़, जिन्हें आप अपने ड्रेसेस की मैचिंग के साथ कैरी करती हैं स्पेशल इवेंट्स पर, वेडिंग्स पर, पार्टीज और ईद के लिए। ईद आने वाली है, रमज़ानुल मुबारक में हर कोई रमज़ान की तैयारियों के साथ साथ ईद की भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ड्रेसेस की स्टिचिंग और फिर मुख्तलिफ शॉपिंग जो कि हमारे एक्सेसरीज की होती हैं, शूज़ वगैरह, ज्वेलरी, जिनमें बैंगल्स को गर्ल्स बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं कि हमारी बैंगल्स इस कलर की होनी चाहिए, इस स्टाइल की होनी चाहिए, इस मटेरियल की होनी चाहिए। मार्केट में बेशुमार टाइप की बैंगल्स क्वालिटी आई हुई है, इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, सिल्क थ्रेड की आई हुई है, प्लास्टिक सिल्क कलर्स इतनी हसीन हसीन आए हुए हैं और बेशुमार मेटल्स और बहुत सारा ऐसा मटेरियल जिनसे ये बैंगल्स बनाई जाती हैं, कंगन, कंगना और बैंगल्स हर स्टाइल्स में। तो आप अपने ड्रेसेस के और अपनी मुनासिबत से कि आप पर क्या अच्छी लगती हैं, किस टाइप की आप बैंगल्स को पसंद करती हैं, तो इनको आप बाय कीजिए। मार्केट में हर तरह की, आप कोई भी पिक देख रही होंगी, इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लिया करें, मार्केट जाएं शॉपिंग के टाइम तो उन्हें शॉपकीपर को दिखाएं, बताएं कि हमें इस तरह की बैंगल चाहिए। बैंगल्स क्रिस्टल की पहने या प्लास्टिक की पहने, साइज़ का परफेक्ट बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात कुछ हमारी प्यारी गर्ल्स होती हैं वो शॉप पर ही जाकर पहनना पसंद करती हैं और कुछ बाय कर अपने घरों में आकर अपने ड्रेसेस की मैचिंग या तैयार होकर पहनना पसंद करती हैं। तो इसको पहनने का इजी मेथड यही है, अगर आप अपने परफेक्ट साइज आपको मालूम है, बैंगल्स लाएं और जब आप उन्हें पहनने लगें तो अपने हाथ पर या तो कोई लोशन या ऑयल लगाकर भी आप पहन सकती हैं, या फिर कोई भी प्लास्टिक शॉप पर पहनकर आप अपनी बैंगल्स चेंज भी कर सकती हैं या पहन भी सकती हैं। इस तरह से आपके हाथ पर, यानी कि जो भी ऑयल या आपने जो ग्लव्स पहना होगा उसकी वजह से वो इजीली कंफर्टेबल तरीके से आप उसे उतार सकेंगी। ये बहुत इजी ट्रिक है और हाथ पर इस तरह बैंगल्स कट वगैरह भी नहीं लगाती, चाहे किसी मटेरियल की हो, गोल्ड की हो या कोई मेटल्स वगैरह जो भी हो, इस तरह आप बैंगल्स पहनिएगा, आप खुद कहेंगी पहनने में कितना इजी मेथड।